बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम डेटाबेस को डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 16 हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर थे स्टूडेंट्स, उसमें हमने डिफरेंट कीज़ जो हम अपने टेबल्स के अंदर या डेटाबेस के अंदर यूज़ करते हैं उनको डिस्कस किया, और पिछले जो हमारे चंद लेक्चर्स थे उसमें हमने ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, क्या हम अपने डेटाबेस को ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह हम डिफरेंट एंटिटीज़ को उनमें उनका आपस में रिलेशन शो कर सकते हैं, तो ER डायग्राम के अंदर हमने ये देखा। स्टूडेंट्स, अब जितने भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स हैं और उसमें आज का लेक्चर भी शामिल है, हम अपने डेटाबेस को सिंपल बनाना चाहते हैं, उसको रिलायबल बनाना चाहते हैं और उसको एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, और नेक्स्ट हमारे जितने भी लेक्चर हैं वो इसी से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे कि कैसे हम अपने डेटाबेस को मोर रिलायबल और एक्यूरेट बना सकते हैं। आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये भी उसी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटेग्रिटी को। बेसिकली इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, तो इससे रिलेटेड ही सारे स्टेप्स हम आज देखेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो डेटा इंटेग्रिटी स्टूडेंट्स क्या है? इन द डेटाबेस इज द करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस। तो ये है हमारी डेटा इंटेग्रिटी, कि हम डेटा को चाहते हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें रॉन्ग डेटा ना हो, उसमें कंसिस्टेंसी हो। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस के डेटाबेस से पहले जो हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसमें इनकंसिस्टेंसी थी। इनकंसिस्टेंसी मींस कि अब अगर हमारा डेटा डिफरेंट टेबल्स में है तो एक टेबल में डेटा अपडेट हो जाता है और दूसरे टेबल्स में डाटा अपडेट नहीं होता, तो दैट इज़ द इनकंसिस्टेंसी। और इनकंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम्स को हमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था। तो हमने कैसे अचीव किया इस टारगेट को? हमने अपने डाटा को कंसिस्टेंट बनाया विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और स्टूडेंट, हमारा डाटा कंप्लीट होना चाहिए, उसमें मिसिंग कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये डेटा इंटेग्रिटी में हम देखेंगे। डेटा इंटेग्रिटी इज इम्पोज्ड व्हेन डेटाबेस इज डिजाइन्ड। ये सारे काम हमें परफॉर्म कब करने हैं, कब हम अपने डेटाबेस को मोर रिलायबल, सिंपल, एक्यूरेट और कंप्लीट कर सकते हैं? व्हेन वी आर गोइंग टू डिजाइन द डेटाबेस, जब हम अपने टेबल्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, जब हम अपने टेबल्स की फील्ड्स के नाम रख रहे हैं, तो उस वक्त हम उन पे डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, उन पे डिफरेंट चेक लगा सकते हैं, तो इस तरह हम अपने इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखें कि बेसिकली हमारा एंटिटी इंटेग्रिटी के अंदर रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप द डेटा कंसिस्टेंट। हम डिफरेंट रूल्स को डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद दीज रूल्स आर चेक ऑन द इनकमिंग डेटा। तो ये रूल्स हमारी हेल्प करेंगे कि जैसे ही हम कोई रॉन्ग डेटा एंटर करने की कोशिश करेंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें बताएगा कि सॉरी, आप गलत डेटा एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम रोल नंबर 10, मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट का जिसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, स्टूडेंट का एड्रेस है। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर एंटर करने हैं, नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो रोल नंबर 10 शुड नॉट बी एंटर्ड अगेन, कि मैंने जो रोल नंबर अपने टेबल के अंदर पहले से एंटर कर लिए हैं वो मेरे पास दोबारा एंटर ना हो। जब भी मैं उनको दोबारा एंटर करके नेक्स्ट जाने की कोशिश करूं तो डेटाबेस मुझे स्टॉप कर ले, भाई ये रोल नंबर ऑलरेडी आप एंटर कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, फी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40,000। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, हमारा सेमेस्टर सिस्टम है और वहाँ पे एक सेमेस्टर की फ़ीस 30,000 है या 40,000 है या 50,000 है, तो हम अपना ये चेक लगा सकते हैं कि जिस फील्ड के अंदर स्टूडेंट हम फी एंटर करेंगे वो ग्रेटर देन 40,000 या ग्रेटर देन 50,000, उसमें वैल्यू ही एंटर ना हो।
तो इट मींस कि अपने डेटाबेस को मोर रिलायबल और एक्यूरेट बनाने में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद हमारी हेल्प कर. नेक्स्ट, एज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 ईयर. फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि उसमें हम मोर देन 25 ईयर एज के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे. तो गलती से अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर कभी ज़्यादा एज एंटर करने की कोशिश भी करेगा तो वो एज एंटर नहीं होगी. तो स्टूडेंट, इस तरह हम डिफरेंट रूल्स अपने डेटाबेस पे अप्लाई करके, डिफरेंट चेक्स लगा के हम अपने डेटा की करेक्टनेस, उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी कंप्लीटनेस इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. अब हमारे पास जो डेटा इंटेग्रिटी है स्टूडेंट, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं. उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है? उसमें हमारी स्टूडेंट एंटिटी इंटेग्रिटी है, डोमेन इंटेग्रिटी है और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है. अगर हम इन जो हमारी इंटेग्रिटीज हैं इनको अचीव कर लेते हैं तो आई होप कि जो हमारा डेटाबेस होगा वो सिंपल भी होगा, रिलायबल भी होगा और एक्यूरेट भी होगा. तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है. एंटिटी यू नो कि जो हमारे टेबल का नेम होता है वही हमारी एंटिटी का नाम होता है स्टूडेंट. तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि जो भी डेटाबेस के अंदर आपने डिफरेंट टेबल्स बनाए हैं उनमें सबसे पहले आप प्राइमरी की सेट करें. स्टूडेंट्स, जब आप प्राइमरी की सेट कर देंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे. तो सबसे पहला क्या काम है हमारा, टेबल्स के अंदर प्राइमरी की को सेट करना. और प्राइमरी डिफरेंट कीज के जो लेक्चर हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी की के लिए हम वो फील्ड चूज करते हैं स्टूडेंट कि जो डुप्लीकेट ना हो. फॉर एग्जांपल रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता. किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लाइज काम करते हैं तो इम्प्लाय आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता. अगर नॉर्मल हम कंट्री के अंदर पीपल्स की डाटा एंट्री कर रहे हैं तो उनका जो CNIC नंबर है वो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता. सो एक तो एंटिटी इंटेग्रिटी को कब आप अचीव कर सकते हैं कि जब आपके टेबल के अंदर प्राइमरी की आपने सेट कर ली और उसके बाद आपके टेबल के अंदर नो डुप्लीकेशन रिकॉर्ड, कि एक ही स्टूडेंट का रैकेट या एक ही एम्प्लॉय का रैकेट बार बार ना हो, उसमें डुप्लीकेशन ना हो. और दूसरा, प्राइमरी की नॉट नल कभी ना हो. आपकी प्राइमरी की जो फील्ड आप जो भी रखेंगे वो कभी नल नहीं हो सकती. और अगर आप ये तीन जो रूल्स हैं इनको अचीव कर लेते हैं तो आपकी यू हैव टू अचीव द एंटिटी इंटेग्रिटी, कि आपके पास प्राइमरी की सेट करें, प्राइमरी की कभी नल ना हो और कोशिश करें कि आपका जो टेबल है उसके अंदर डुप्लीकेट रैकेट्स ना हो. सो यू हैव अचीव्ड द एंटिटी इंटेग्रिटी. डोमेन इंटेग्रिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डोमेन इंटेग्रिटी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट मे बी असाइंड टू एन एट्रीब्यूट. हम अपनी फील्ड्स में जो वैल्यूज असाइन करते हैं दीज आर कॉल्ड डोमेन इंटेग्रिटी. और हम उन वैल्यूज़ पे डिफरेंट रूल्स अप्लाई करके, डिफरेंट चेक्स लगा के अपनी डोमेन जो इंटेग्रिटी है उसको अचीव कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारा वो जो एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर या जो हमारी फील्ड है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, उसका एड्रेस है. तो स्टूडेंट्स हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं हर फील्ड की डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रोल नंबर है तो उसकी डेटा टाइप यकीनन नंबर होगी. और जब भी डेटा एंट्री ऑपरेटर कभी गलती से भी उसमें अल्फाबेट्स एंटर करने की कोशिश करेगा तो DBMS उसको बताएगा कि भाई इस फील्ड के अंदर आप अल्फाबेट्स एंटर नहीं कर सकते. हम उसकी लेंथ डिफाइन कर सकते हैं अपनी फील्ड की, कि हमारा जो नेम है वो 20 करेक्टर या 25 करेक्टर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जैसे आप अपने मोबाइल पे जैसे ही कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, अगर सिम पे आप सेव कर रहे हैं तो उसकी एक लेंथ है. फॉर एग्जांपल 14 करेक्टर की अगर लेंथ है क्योंकि मोबाइल पे तो अगर आप सेव करते हैं तो उसकी लेंथ का कोई इतना इश्यू नहीं होता. लेकिन अगर आप अपने
कॉन्टैक्ट्स को सिम में डायरेक्टली सेव करते हैं तो उसके लिए आपको वो रूल फॉलो करना पड़ता है, मोर देन 14 करेक्टर्स आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। सो हम अपने एट्रीब्यूट या फील्ड्स की डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे, उनके लेंथ को डिफाइन करेंगे, उनके रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं कि नॉट ग्रेटर देन 1000, इससे ऊपर रोल नंबर हमारा ना जाए। फी जो है उसमें नॉट ग्रेटर देन 50,000 हम उसमें एंटर ही ना कर सकें। तो हम इस तरह रेंज बता सकते हैं और हम अपने जो कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं या फील्ड्स हैं उनका फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल अगर डेट फॉर्मेट के अंदर वो है, किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ एडमिशन है या डेट ऑफ कंप्लीशन है, तो उसमें जो हम डेटा एंटर करें उसका फॉर्मेट कैसा हो, हम उसको डेट फॉर्मेट में भी सेट कर सकते हैं। हम ये भी सेट कर सकते हैं कि ये जो हमारा एट्रीब्यूट है या सेल है या फील्ड है ये नल ना हो। जैसे ही उसको ब्लैंक छोड़ने की हम कोशिश करें, डेटाबेस हमें बताए सॉरी भाई आप आगे नहीं जा सकते, आप इसको नल नहीं रख सकते, आपने इसमें कोई ना कोई वैल्यू एंटर करनी है। तो इस तरह के ये सारे काम परफॉर्म करने के बाद हम डोमेन इंटेग्रिटी को अचीव कर सकते हैं। तो इन द लास्ट स्टूडेंट हमारे पास है जी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। और ये इस रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम दो डिफरेंट टेबल्स को आपस में कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो तब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी हमें रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड व्हेन द रिलेशनशिप इज क्रिएटेड बिटवीन रिलेशंस, मतलब टेबल। पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशंस आर डिफाइंड हियर। तो जब हम दो टेबल्स को स्टूडेंट्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक टेबल जो हमारा मेन टेबल है दैट इज कॉल्ड द पेरेंट टेबल एंड सेकंड वन टेबल इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल। जैसे ये आपको दो टेबल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक हमारा पेरेंट टेबल है और ये हमारा एक चाइल्ड टेबल है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है स्टूडेंट, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आप कब अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले आपका ये जो पेरेंट टेबल है और इसके अंदर जो प्राइमरी की आपने सेट की हुई है, इसकी जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो आपके चाइल्ड टेबल की जो फॉरेन की है उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे रोल नंबर 1 है, 2 है, रोल नंबर 3 है। और यहाँ पे आप चाइल्ड टेबल के अंदर देखें रोल नंबर 1 है, 2 है और 4 यहाँ पर आ गए। तो क्योंकि 4 तो हमारे पेरेंट टेबल में है ही नहीं, तो ये चाइल्ड टेबल में तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आ सके, सो इट्स रॉन्ग, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस किया हुआ। सेकेंडली एक तो आपने इस बात का ख्याल करना है, सेकेंडली जब भी आप अपने चाइल्ड टेबल से कोई डाटा रिमूव करने की कोशिश करेंगे आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी यहाँ पे जो आपका पेरेंट टेबल है उसके अंदर मौजूद है। सो ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपको डेटाबेस इन्फॉर्म करेगा कि भाई इसका जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है वो मेन टेबल में अवेलेबल है, आप इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। या फॉर एग्जांपल आप पेरेंट टेबल से किसी रोल नंबर 2 को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताएगा कि भाई इससे रिलेटेड चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड है, पहले आप इनको वहाँ से रिमूव करें तो फिर मैं आपको अलाउ करूँगा कि आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे इन बातों का ख्याल करके हम अपनी डेटा इंटेग्रिटी, एंटिटी इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इनको अचीव कर सकते हैं। हम अपने डेटाबेस को वेरी सिंपल रिलायबल बना सकते हैं, हमारा डेटा में करेक्टनेस आ सकती है, कंसिस्टेंसी आ सकती है और कंप्लीटनेस आ सकती है। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम जितने भी स्टूडेंट्स लेक्चर डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द डेटा एक्यूरेसी, डेटा कंसिस्टेंसी एंड डेटा कंप्लीटनेस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।